खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। हिंदी सिनेमा में जब भी रूह तक उतर जाने वाले संगीत और धुनों की बात चलेगी तो संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन का नाम अग्रणी संगीतकारों में लिया जाएगा। वर्सटाइल गायक किशोर कुमार को एक नए गायकी अवतार में लॉन्च करने से लेकर उन्हें शानदार मुकाम तक पहुंचाने में एसडी बर्मन का अमूल्य योगदान रहा है। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में जागी सी। किशोर कुमार अपनी लगन और साधना के दम पर बर्मन दा के दिल में इतनी जगह बना चुके थे कि वो इस गायक को अपने बेटे की तरह मानते थे। मिले एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि इसी किशोर कुमार ने बर्मन दा के आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग से पहले उनसे झूठ बोलकर गाना नहीं गाने का बहाना बनाया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब। क्या आपको पता है कि जब एसडी बर्मन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब उन्हें किशोर कुमार के गाए हुए गाने का इंतजार था और इसी गाने को सुनने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। कौन सा था वो गाना और क्यों किशोर कुमार ने किया था झूठा बहाना जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। मेरे साजन है उस पार मैं मन मार तू इस पार। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सोनी टॉकीज। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर। एसडी बर्मन हिंदी और बांग्ला सिनेमा के मशहूर और लोकप्रिय संगीतकारों में से एक थे। उन्होंने अपने संगीत से खूब सुर्खियां बटोरी थी। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही उम्दा गायक भी थे। उनके बनाए और गाए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का आगाज किया था। मेरे साजन है उस पार मैं मन मार उस पार ओ मेरे। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता एनडी बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे जबकि मां निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। 9 भाई बहनों में सचिन सबसे छोटे थे। एसडी बर्मन ने कोमिला से बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए में दाखिला लिया लेकिन यहां उनका जुड़ाव संगीत से हो गया। उन्होंने एमए पूरा करने की बजाय केसी डे से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। यह वही नेत्रहीन केसी डे थे जिन्होंने आगे चलकर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में बतौर गायक संगीतकार व अभिनेता खूब नाम कमाया। एसडी बर्मन ने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में एसडी बर्मन ने बांग्ला गाने गाए और बंगाली नाटकों के लिए भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। खोया खोया चांद खुला आसमान। 1944 में एसडी बर्मन मुंबई चले गए। यहाँ उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले 1946 में रिलीज हुई फिल्में 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। दोनों ही फिल्मों में अशोक कुमार हीरो थे। किशोर कुमार ने दोनों ही फिल्मों में गाना गाया था। हालांकि उन दिनों किशोर कुमार की आवाज पर केएल सहगल की आवाज का प्रभाव था।
कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म जिद्दी में गाए उनके एक गाने को सुनकर कई संगीत प्रेमियों ने यहाँ तक कह दिया कि यह गाना सहगल साहब पिछले साल यानी 1947 में अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड करवा गए थे। एस डी बर्मन ने किशोर कुमार को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया, लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में गाने को प्रेरित करते रहते थे। आखिरकार बर्मन दा को सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार में, जब किशोर कुमार ने यह अनोखा गाना खालिस अपने अंदाज में गाया। आपका हुजूर आपका मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। उसके बाद तो दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। एस डी बर्मन के निर्देशन का असर यह हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक नई पहचान मिली और वो दूसरे संगीतकारों के लिए भी अपने अलग अंदाज में गाने लगे। उनकी आवाज काफी फ्रेश थी और मस्ती भरे तरानों के लिए वो लगभग सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। हालांकि किशोर कुमार और एस डी बर्मन के साथ ने कई ऐतिहासिक व सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हिस्सा जो इस महान संगीतकार के संगीत के प्रति समर्पण की कहानी कहता है। बात है सन 1975 की, जब एस डी बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में एक बेहद गंभीर और अर्थपूर्ण गाना है, जिसके बोल थे, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। एक दिन जब वह अपने आवाज पर किशोर कुमार को इस गाने का रिहर्सल करवा रहे थे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती लगने लगी। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि जब वो गाने का पूर्वाभ्यास कर रहे थे उसी वक्त सचिन दादा बीमार पड़ने लगे थे। किशोर कुमार के शब्दों में, मैं रिहर्सल करता रहा लेकिन उनकी आंखें उदास खाली लग रही थी, वह मुझे देखते रहे, चुपचाप गाना सुनते रहे। रिहर्सल खत्म होने के तुरंत बाद किशोर कुमार घर से निकल गए और करीब 25 मिनट बाद एस डी बर्मन अपने घर में फर्श पर गिर पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने चेकअप करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन दादा नहीं गए। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया कि एस डी बर्मन जोर देकर कहने लगे कि वह अस्पताल नहीं जाएंगे क्योंकि अगले दिन उन्हें यह गाना रिकॉर्ड करवाना है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप मुझे जहां चाहे ले जा सकते हैं। यह सुनने के बाद उनके बेटे आर डी बर्मन यानी पंचम मेरे घर पहुंच गए और कहा कि किशोर मेरे साथ चलो और उन्हें समझाओ कि गाने की रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो सकती है। मैं दादा के घर पहुंचा और उनकी हालत देखकर डर गया, उनका शरीर अजीब सा हो गया था। बकौल किशोर कुमार, मैंने जानबूझकर अपने गले में खराश होने का बहाना बनाया और उन्हें कहा कि मैं गाना बाद में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अभी मेरी आवाज ठीक नहीं है, आप अस्पताल चले जाइए, जब तक आप वापस आओगे मेरी आवाज भी ठीक हो जाएगी, हम लोग बाद में गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे। जब मैंने अपनी बनावटी खराश सुनाई तो वो भी राजी हो गए और उन्होंने कहा कि किशोर गाना अच्छा होना चाहिए, इस गाने को तभी रिकॉर्ड करना जब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन सचिन दा ने यह भी जोड़ा, अगर मैं रिकॉर्डिंग पर ना आ सकूं तो यह समझना कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं और वैसा ही गाना जैसा मैं चाहता हूं। सचिन देव बर्मन अस्पताल चले गए और वह रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ सके। किशोर कुमार ने ऐसा ही गाया जैसा एस डी बर्मन चाहते थे।
स्टूडियो में गाते वक्त उनके कानों में एसडी बर्मन के निर्देश गूंज रहे थे, किशोर कुमार ने बताया। बाद में पंचम गाने के रिकॉर्डेड टेप को अस्पताल ले गया और सचिन दा को प्ले करके पूरा गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद एसडी बर्मन साहब बेहद भावुक हो उठे और नम आंखों से बुदबुदाते हुए बोले, मुझे पता था इसे किशोर ऐसे ही गाएगा। कभी एक पल भी कहीं। एसडी बर्मन टेनिस के बहुत शौकीन थे, फुटबॉल के लिए वो तो पागल थे। ईस्ट बंगाल उनका पसंदीदा फुटबॉल क्लब था। एसडी बर्मन पर किताब लिखने वाले खगेश देव बर्मन बताते हैं कि मिली की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें स्ट्रोक हो गया और वो कोमा में चले गए और अपनी मौत तक 6 महीने लगातार कोमा में रहे। उसी दौरान जब उनके क्लब ईस्ट बंगाल ने आईएफ शील्ड फाइनल में मोहन बगान को 5-0 से हरा दिया और राहुल ने उनके कान में चिल्लाकर उन्हें यह खबर दी, तो ईस्ट बंगाल के इस सबसे बड़े समर्थक ने अपनी आंखें खोल दी। संगीत के इस राजकुमार ने इसके बाद कभी आंखें नहीं खोली और 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास एसडी बर्मन और किशोर कुमार से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सोनी को इजाजत। नमस्कार।